बीजापुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली मारे गए और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 8 नक्सली मारे गए हैं, एक भी जवान हताहत नहीं हुआ है। सरकार नक्सलियों से आग्रह करती है कि वो मुख्य धारा में आए और वार्ता करें। सरकार वार्ता करने के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने नक्सलियों को संदेश देते हुए कहा कि नक्सली मुख्य धारा में जुड़े, लक्ष्य निर्धारित करें। अगर उन्नति उनका रास्ता है तो एक रास्ता बन सकता है। वहीं नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के लिखे हुए लेटर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन जहां आवश्यक है वहां करना होता है, सड़क भी बनानी होगी। हाँ, मैंने नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा सीमांत क्षेत्र में डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य का के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है, इस पर चर्चा करनी। बंदूक तो साथ छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ऑपरेशंस जो हैं जहां आवश्यक है वहां तो करना ही होता है, करना पड़ता है। परंतु इन सारी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, वो चाणक्य की बात करके, ब्राह्मणवाद की बात करके, ये वही राग फिर अलाप के कोई अर्थ नहीं होने वाला है। सरकार गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है और हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं इस विषय को। और उसमें ये है कि इन स्थितियों में, परिस्थितियों में सड़क ना बनाई जाए। भैया सड़क क्यों ना बनाई जाए? कह दे जनता वहाँ पर कि सड़क नहीं बनाना है, वहाँ पर लाइट ना पहुँचाई जाए। क्यों ना लाइट पहुँचाई जाए भैया? तो सड़क ना बनाने की शर्त पर, लाइट ना बनाने की लगाने की शर्त पर, ऐसे नहीं होता है। वार्ता आप करें, हमारा आग्रह है, निवेदन है। कारण यह है, हमने सुना है कि आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि जिसमें आप जनकल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जनकल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। उनके उनके रुख से क्या नज़र आ रहा है, कुछ वार्ता के लिए तैयार के मूड में है वो? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूँ ना, ये पत्र तो है मेरे हाथ में। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल जी ने अपनी पदयात्रा में बताया, चिदंबरम जी ने फला फला बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो अब ये सामान्य लोगों के सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें तो बहुत स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। तो मेरा तो यही आग्रह है, बस्तर में जब हम लोगों ने सिलगेर टेकलगुड़ा पूर्ति के युवाओं को लेकर हम लोग रायपुर आए थे, उन्होंने रायपुर देखा, उसमें से आप सभी से उनकी स्पष्ट प्रत्यक्ष मुलाकात हुई है। 25 साल के लड़के ने अगर जीवन में टीवी ना देखा हो तो और क्या करना चाहते हैं उनके साथ आप? और क्या करना चाहते हैं कोई बता दे भाई मुझे। कौन सा विदोहन, कौन सा मैंने खनिज उत्खनन ये रोक कर क्या मतलब, क्या विषय है भाई? 25 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा है, अभी कैसे जस्टिफाई कर लेंगे इसको आप? आप पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, आप एआई पर जा रहे हैं, बस्तर का लड़का टीवी भी ना देखा हो। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, सेंट्रल कमेटी अगर बात करती है हर्ष का विषय है, अगर दूसरे कोई समूह हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में बड़ा फ्रैक्शन है, मुझे पता चला है। मतलब ये है कि टॉप कैडर सारे आंध्रा तेलंगाना के हैं और नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मतलब या तो सामान लेकर चल रहे हैं या फिर सामने फ्रंट पर जा रहे हैं, ऐसा सब है उनके साथ। टॉप कैडर जो हैं वो तेलंगाना के हैं, तो वो उनका अपना ये रहता है।
इसीलिए जा करके वहाँ ज़्यादा सरेंडर करते हैं। तो उन सारे लोगों से भी मेरा फ्रैक्शन भी है आपस में, जो भी बात करना चाहे सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों के को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूँ। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, विगत चार पाँच सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसके आधार पर आरक्षण दिया गया, ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप ST SC या OBC बनाएंगे तो मूल ST SC OBC के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में, 3-4-5 वर्षों में OBC के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी OBC के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया, सब आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच। हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा।